हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राई बिना तेल का इस्तेमाल किए हुए। आप देख सकते हो चिकन फ्राई कितने अच्छे से बनकर तैयार है और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे 300 ग्राम चिकन ले लिया है और इसे हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। 1 टेबल स्पून तेल, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। अब एक बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून तेल डाल देना है। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों में हमें चिकन डाल देना है और इन चिकन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर लेंगे। अब एयर फ्रायर के अंदर हमें एक फॉइल को रख देना है। इस तरह से इसे अच्छे से चारों ओर से दबाकर इसे अच्छे से रख देना है। अब इसमें हम चिकन के पीसेस डाल देंगे। चिकन के पीसेस हमें इन्हें इस तरह रखना है कि ये एक दूसरे से ना चिपके। चिकन के पीसेस को हमने अच्छे से रख दिया है। अब इन्हें हम फ्राई करने के लिए हैवेल्स के एयर फ्रायर में रख देंगे। अब इसमें हम टेम्परेचर सेट कर लेंगे 180 डिग्री सेल्सियस और 20 मिनट के लिए इन्हें हम एयर फ्रायर में फ्राई होने देंगे। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो लाइट जो है वो लाल कलर का हो चुका है, इसका मतलब टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है 20 मिनट। अब इन्हें हम बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये पक चुके हैं, लेकिन हम इन्हें पलट देंगे अब यहाँ पर, और इन्हें पलट कर फिर से हमें थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। सारे चिकन के पीसेस को हमने अच्छे से पलट लिए हैं। अब इन्हें हम फिर से ढक देंगे और ढककर 180 डिग्री टेम्परेचर रखकर फिर से 10 मिनट के लिए इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें हम एयर फ्रायर से बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये फ्राई होकर तैयार है और तेल का हमने बहुत कम इस्तेमाल किया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ऑयल फ्राई चिकन जो है उनसे भी ये बहुत टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।